चमड़ी के नीचे या चमड़ी के ऊपर कीड़े चलने का भ्रम, ये एक बीमारी है। उसके बारे में बात करने वालों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्सरो सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये डेल्यूजनल झूपती बोलते हैं इसको, डेल्यूजनल झूपती या डेल्यूजनल इन्फेस्टेशन, डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस, एक बॉम्ब्स सिंड्रोम, ऐसे अलग अलग नाम है ये बीमारी को। ये बीमारी है मेरे प्रैक्टिस में, ये ज़्यादातर उम्र से जो लोग ज़्यादा हो जाते, मतलब 70 के ऊपर काफ़ी लोगों को दिखाई दिया। जो मेरे पास में अभी तक आया वो 70 के ऊपर के लोग थे, जिनको बराबर दिखाई नहीं दे रहा था या बराबर सुनाई नहीं आ रहा था, और उनको ज़्यादा भ्रम हो रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि एक तो चमड़ी के नीचे कीड़े चल रहे हैं, और उनको ऐसा फील होता है, देखो देखो बोले देखो चल रहे हैं, या उनको लगता है कि उससे भी सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है चमड़ी से, या कुछ तो भी ऐसा मट्टी जैसा निकल रहा है या धूल निकल रही है, ऐसा उनको भास होता है कि चमड़ी के ऊपर से कुछ निकल रहा है या अंदर से कुछ निकल रहा है या चमड़ी के नीचे कीड़े चल रहे हैं, और उनको ऐसा फील होता है और वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो चिढ़ते भी है कि हमको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि कीड़े चल रहे हैं चमड़ी के नीचे। तो इसका कॉज एक तो ऐसा है कि केमिकल इम्बैलेंस दिमाग में होता है, केमिकल लोचा उससे होता है, फिर कुछ दवाइयाँ लेने से होता है, दवाइयाँ मतलब ड्रग्स, कोकेन जैसी, और बाकी बीमारी ये उनके साथ भी ये हो सकता है, जैसे अल्कोहलिक एडिक्शन, फिर बायपोलर डिसीज, सीवियर डिप्रेशन, थायराइड बीमारी, कोई ड्रग्स कोकेन जैसे, सिफिलिस, विटामिन डिफिशेंसी, मतलब ये अंडरलाइंग कॉज हो सकता है जिसके वजह से ये हो सकता है ये बीमारी। तो फिर हमको अंडरलाइंग कॉज देखना होगा कि उसके नीचे कारण क्या है, ये बीमारी कौन सी है, और फिर इसका इलाज हो सकता है। एक तो साइकोथेरेपी, और दूसरा बहुत ज़्यादा अच्छी काम करने वाली दवाई है वो पिमोसाइड। ये दवाई का डोज है 2 मिलीग्राम, 2 बार देते हैं हम, उसकी रिएक्शन नहीं आने को ना ये दवाई की, इसलिए और दवाई देते हैं लाइक ट्राइक्सिफेनिडिल, और उससे बहुत अच्छा आराम ये लोगों को होता है। उनसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना, उनके साथ में एक्सेप्ट भी नहीं करना कि हाँ ठीक है बराबर है, दिख रहे तो बराबर है, ऐसा भी नहीं करना है। उनको भ्रम हो रहा है तो उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने का नहीं, निग्लेक्ट करने का है, बढ़ावा देने का नहीं, और ज़्यादा उसके लिए कुछ करना भी नहीं, ऐसे दवाई दिया तो बहुत ज़्यादा फायदा है लोगों को होता है। मेरे प्रैक्टिस में ये 65-70 साल के ऊपर और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। ये भी आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, भले ही कम है बीमारी है, मगर जिनको होती है उनको बहुत तकलीफ होती है, और ना कि उनको ही तकलीफ होती है, उनके घर वालों को, बेटे बेटियों को भी बहुत तकलीफ होती है कि एक पेशेंट ऐसे घर में है कि जो कीड़े देख रहा है। फिर कुछ लोगों को खाने में भी कीड़े दिखते हैं, कुछ लोगों का आँख के ऊपर, कपड़ों के ऊपर दिखते हैं, तो उनको भी तकलीफ और घर वालों को भी तकलीफ होती है, और अच्छे होने वाली बीमारी है ये। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।